बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। माय नेम इज़ अहमद रज़ा एंड आई एम फ्रॉम किप्स कॉलेज कसूर कैंपस। बेटा जी, आज हमने केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाया करूँगा और आज हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है जो हमारा, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो केमिस्ट्री सिंपल एक ब्रांच है साइंस की, जैसे साइंस की बहुत सी ब्रांचेस हैं, तो केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन के बारे में। केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में सबसे पहली बात क्या आती है, कंपोजिशन। कंपोजिशन किसे कहते हैं? किसी चीज़ की बनावट को, कि कोई भी चीज़ बनी कैसे हुई है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आपके पास एक चेयर है सिंपल, तो वो चेयर के अंदर लोहा है, आयरन है, उसके अंदर लकड़ी है, उसके अंदर वो जो कील लगे हुए हैं, वो जो नेल्स हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं, उसे मिलकर बना रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके अज्जा हैं, उसके जूस हैं। तो ये सारे जो जूस होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उसकी कंपोजिशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जूस कौन से हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि मेरे सामने एक चेयर है, तो उस चेयर में लकड़ी भी है और लोहा भी है, तो वो लकड़ी और लोहा क्या है, उसके कंपोनेंट्स हैं जो उसको मिलकर बना रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा उसकी स्ट्रक्चर की, केमिस्ट्री में जो हम डेफिनेशन करते हैं, तो जो दूसरी बात हमारे पास आती है वो आती है स्ट्रक्चर। हम कहते हैं कि जिसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है किसी चीज़ की साख, कुछ चीज़ हमें नज़र कैसे आ गई, किसी चीज़ की शक्ल व सूरत। ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर के बारे में अगर मैं बात करूँ, मैं कहता हूँ ये लंबा है और ये गोल है, तो ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं इसकी शक्ल की बात कर रहा हूँ ना, शक्ल व सूरत किस तरह से मुझे नज़र आ रही है, तो ये क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। उसके बाद मेरे पास जो थर्ड पॉइंट है, जो तीसरी बात है जो केमिस्ट्री को डिफाइन करती है, वो होती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ किसकी? प्रॉपर्टीज बेटा जी मैटर की। नाउ व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसका मैस हो, कोई भी चीज़ जिसका वजन हो, एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस, और वो क्या करे, वो जगह घेरे। ऑक्यूपाई मीन्स घेरना, और वो क्या करे, जगह घेरे, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। मैंने दो बातें कही बेटा जी, मैटर को डिफाइन करने के लिए यू नीड ओनली टू वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज मैस एंड द सेकेंड वन इज स्पेस। कोई भी चीज़ जिसका मैस हो वो जगह घेरे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मार्कर है, ये मैंने अपने हाथ पे रखे, तो ये मेरे हाथ पर कोई ना कोई जगह गहरे और इनका कोई वजन है। सो दिस इज मैटर। एवरीथिंग दैट यू कैन सी, हर वो चीज़ जो आपको नजर आती है ना, वो मैटर है। इवन के दोज थिंग्स विच यू कांट सी, इवन वो चीज़ जो आपको नजर नहीं भी आ रही, इफ आई टॉक अबाउट दोज गैस मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर, उन अगर गैस मॉलिक्यूल्स की भी बात करूँ ना, जो हमारी हवा में भी मौजूद है, मैं सांस दे रहा हूँ, वो ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो ये भी मेरे एनवायरमेंट में मौजूद हैं, बट आई कांट सी दैम बिकॉज दे आर टू मच स्मॉल, ये बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इनको मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये भी क्या है, तो कोई ना कोई जो मैस है ना, हम कहते हैं जी एटम का जो मैस है वो 10^-27 टू 10^ इतना होता है, 10^-27 ग्राम किलोग्राम होता है जो मैस होता है एटम का, 0.2 नैनोमीटर जो होता है उसका साइज होता है, बहुत ही छोटा साइज है, लेकिन क्या है, फिर भी उसका कोई मैस तो है ना, कोई ना कोई जगह तो घेर रहा है ना, तो वो भी क्या होगा, वो मैटर है। तो एवरीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जिसका वजन हो वो जगह घेर रही है, उसे हम मैटर बोलते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कोई सॉलिड चीज़ है, कोई सख्त चीज़ है, सॉलिड बोलते हैं कोई भी चीज़ जिसकी खास शक्ल सूरत होती है, और उसके बाद आता है लिक्विड, ऐसी चीज़ जिसकी खास शक्ल सूरत होती है, पानी जिस भी बर्तन में डालो उसकी शक्ल ले लेता है, लेकिन सॉलिड ये मार्कर है, किसी भी जगह में रखूंगा इसी तरह करेगा, पानी जिस तरह जैसी चीज़ में रखूंगा वैसी शक्ल ले लेगा। ठीक है, अब ये सॉलिड है, अगर मैं इसे आपके ऊपर रखूंगा कि पिघल जाएगा, तो ये पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, हमारे मैटर के अंदर क्या चेंज आ गया। उसके बाद मैं बात करूँगा कुछ लॉज हैं, प्रिंसिपल, कुछ ऐसे कानून हैं और उसूल हैं जो केमिस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो ये जो मैंने 4-5 बातें डिस्कस की, ये वो है जो हमारी केमिस्ट्री को डिफाइन करती हैं, जो कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आती है। आज हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी मैं स्टार्ट करूँगा आपकी बुक के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक, और वो है हमारा सबसे पहले एटम के बारे में। व्हाट इज एटम? बेटा जी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में कहने लगे का सबसे जो छोटा जर्रा है, अगर हम बात करेंगे छोटे से छोटा जो जर्रा है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं इस दुनिया का, जिसे फर्दर मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। छोटे से छोटा मध्य का वो जर्रा, यानी कि मध्य को तकसीम करते जा रहे हैं, मैटर को हम डिवाइड करते जा रहे हैं, और एक वक्त आता है कि उसे मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उस वक्त जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, और एटम इंडिपेंडेंटली आज़ादाना रह भी सकता है
एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जैसे कुछ एटम्स होते हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, अब ये क्या है, ये अकेले रह सकते हैं, इन्हें किसी के साथ कंबाइन होकर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी और वजह यह भी है कि ये स्टेबल है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कुछ हमारे पास इस तरह के एटम्स होते हैं दोस्त, वो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, बहुत से दूसरे एटम्स के हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह दो तरह के हमारे एटम्स होते हैं, वन दोस्त वो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली वाइल अदर्स दोस्त वो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, उसके बाद अगर हम एटम की हिस्ट्री के बारे में बात करें जो आपकी बुक के पहले चैप्टर में पहले टॉपिक में मौजूद है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीक फिलोसफर्स की। आपके पास ग्रीक फिलोसफर्स आए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मैटर है, जो मादा है, कैन बी डिवाइडेड टू बेसिक पार्टिकल्स। मादे को आप तकसीम करते जाओ तोड़ते जाओ तो एंड पे आपको बहुत छोटे छोटे यूनिट मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक पार्टिकल तक पहुँच जाते हो, बिल्कुल छोटे छोटे बुनियादी जरूरत तक पहुँच जाते हो, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, और उसे आप मजीद तकसीम नहीं कर सकते। और ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा फिर वो वाला मुकाम, वो हालत, वो कंडीशन जहाँ पे आपके पास मैटर की वो कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आप उसके स्मॉल से स्मॉल पार्ट कर चुके होते हो और उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते, उसको हम एटम बोलते हैं। ये आइडिया दिया था हमें ग्रीक फिलोसफर्स ने। उसके बाद हमारे पास आया डेमोक्रेटस। अभी मैंने बात की डेमोक्रेटस की, तो ग्रीक फिलोसफर्स के बाद हमारे पास आया डेमोक्रेटस, जिसने हमें कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं किसी भी कोई भी मादा है उसे तकसीम करते जाएं, तो एक वक्त आता है जब उसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता और बिल्कुल बेसिक यूनिट, बिल्कुल छोटा सा बुनियादी वो उसका एक हिस्सा बन जाता है जिसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। और डेमोक्रेटस ने कहा कि उस बेसिक यूनिट को हम एटम का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? एटम कह देते हैं। और एटम एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी जुबान का लफ्ज है, और जो एटम है वो वर्ड एटमोस से बना है, एटमोस से एटम को हमने बनाया है, और एटमोस का मीनिंग होता है इंडिविजिबल, ऐसी चीज जिसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर हम एटम को किसी और वर्ड से भी जो है वो एटम को एक और तरह से भी जो है हम वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, और वो है हम कह रहे हैं कि ए मीन्स नॉट एंड टॉम मीन्स कट, सो समथिंग विच कैन नॉट बी कट फर्दर, कोई चीज जिसे मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, नहीं तोड़ा जा सकता, उसे हम एटम कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक का कुछ हिस्सा था इंशाल्लाह। बाकी और फर्दर इसके बाद जो है वो हम जो हिस्ट्री है उसे बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और उसमें हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटम के, अभी हमने यहाँ तक ये बात पढ़ी कि जो एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अब आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, और एटम के अंदर हमने जो एटम के डिफरेंट सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के भी जो हैं वो छोटे छोटे हिस्से हैं, उनके बारे में हमने स्टडी करना है। जैसे सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, फर्दर इसे डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और ये बात आपने सुनी ही मैट्रिक क्लासेस तक। इसके अलावा पॉजिट्रिनो, हाइट्रॉन, इस तरह के बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, और कहा जाता है कि मोर देन 100 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम। एटम में 100 से भी ज्यादा किस्म के जो है पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात इसलिए करते हैं बिकॉज दीज आर द बेसिक एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स विच एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड टू अस, यानी कि ये बिल्कुल वो बुनियादी पार्टिकल्स हैं जिनसे हमारा सबसे ज़्यादा ताल्लुक पड़ता है, और जिनका एटम या एटम के रिएक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरफेयर होता है, जो एटम के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं रिएक्शंस में या किसी भी चीज़ में। तो बाकी जो फर्दर है वो हिस्ट्री एटम की और एटम के बारे में मजीद जो है कुछ इन्फॉर्मेशन वो कर लेंगे, और कल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा आज का लेक्चर था वो सिंपल एटम और केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री के बारे में था। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मीट यू टुमारो।